in this video, let us take some more questions of worksheet 2, which is related to inverse variation. Now let us take question number 2. The science teacher asked the students of class C to make a project work. To make a project report pollution. When 10 students work on it, the work get finished in 3 days. How many students are required so that the work finish in 2 days? इसमें दिया है हमको दो चीज़, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज। बोले कि 10 स्टूडेंट्स कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज। 10 स्टूडेंट्स किसी काम को, उस प्रोजेक्ट वर्क को 3 दिन में ख़त्म करते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द टू वर्क फिनिश द वर्क इन 2 डेज। तो अब 3 की जगह हमको 2 दिन में उसको फिनिश करना है, कम दिन में फिनिश करना है, तो नेचुरली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा वो क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज़ मोर स्टूडेंट्स देन लेस नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है, दो क्वांटिटी में एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही, दूसरी घट रही है। 10 स्टूडेंट्स 3 डेज, 2 डेज देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स, इस तरह का वेरिएशन यहाँ पर हो रहा है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ के हमको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा किस तरह का वेरिएशन हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन इज देयर। सो नाउ इट इज़ क्लियर देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन, एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व, हाउ टू राइट द स्टेप। हियर जो भी चीज़ उसमें पूछता है पहले उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। पूछा है कि एक्स डेज में अगर फिनिश करना है, सॉरी 2 डेज में फिनिश करना है, तो कितने स्टूडेंट्स उस प्रोजेक्ट वर्क में लगेंगे। तो पहले उसी को मान लेते हैं, टू फिनिश द वर्क इन 2 डेज लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड बी एक्स। 2 डेज में फिनिश करने के लिए मान लेते हैं कि एक्स स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमको। सो दस वी हैव द टेबल, टेबल ये बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले किसको लिखना है इससे कोई मतलब नहीं, किसी को भी पहले, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 3 डेज 10 स्टूडेंट्स, ये पेयर हमको दिया हुआ है। 2 डेज देन हाउ मैनी एक्स। ओके नाउ हियर द कंडीशन इज मोर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ डेज। अगर हम ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो हियर मोर लेस, तो ये क्या शो कर रहा है, इनवर्स वेरिएशन। So it is a case of inverse variation. Therefore, 3 × 10 product. ध्यान में रखना inverse variation में into होगा, direct variation में divide होता है। अगर direct होता तो यहाँ भी more होता, तो यहाँ भी more होता। So therefore, 3 × 10 equal to 2 × x. That is 2 × x को इधर लिख लेते हैं right left side में, इसको right side में लिख देते हैं क्योंकि हमको x का value चाहिए यहाँ पे। एंड देयर फोर एक्स इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, 2 को इधर ला के क्या करोगे, डिवाइड, तो 2 से कट जाएगा, 2 5 जा, देन आंसर क्या जाएगा, 5 3 जा 15। मतलब ये हुआ कि अगर 2 दिन में ख़त्म करना है तो हमको 10 की जगह कितने स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 15 ज़्यादा, 5 ज़्यादा स्टूडेंट्स की। सो देयर फोर आंसर मिल गया, 15 स्टूडेंट्स रिक्वायर टू फिनिश द वर्क इन 2 डेज। क्लियर हो गया होगा। Now let us take one more question. Let us take question number 3. Running at an average speed of 40 km per hour, a bus complete a journey in 4.5 hours. इसमें दिया है कि अगर 40 km per hour की स्पीड से बस चल रही है तो बस को कितना टाइम लग रहा है उसको जर्नी कंप्लीट करने में, 4.5, 4.5 घंटे। Then how much time will the return journey take इफ़ द स्पीड इज़ इंक्रीज टू 45 किलोमीटर, और रिटर्न जर्नी में उसका स्पीड ज़्यादा हो गया, 45 हो गया, 40 की जगह 45, तो कितना टाइम लगेगा। तो क्लियरली पहले से टाइम हमको कम लगेगा क्योंकि स्पीड यहाँ पे बढ़ गई है। रिटर्न जर्नी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस पे यहाँ पे ध्यान में रखना है ना, क्योंकि डिस्टेंस अलग हो जाएगा तब तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सेम डिस्टेंस में स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम उसमें कम लगेगा। सो पहले स्टेप में तो हम लोग यही मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बी एक्स, लाइक दिस, लेट टाइम टेकन टू फिनिश द जर्नी बी एक्स आवर, दिस इज द रिटर्न जर्नी, एक्स आवर।
ओके, हेयर स्पीड एंड टाइम, टू क्वांटिटीज़ क्या क्या दिया है, स्पीड दिया है और टाइम दिया है 40 किलोमीटर, टाइम कितना 4.5, इस मिक्स्ड फॉर्म में दिया, इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे बाद में, 4 2 8, 8 1 9 9 बाई 2, यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गया 40 से, तो टाइम यहाँ पे एक्स मान लें हम लोग, मोर स्पीड लेस टाइम टू कम्प्लीट द जर्नी, यहाँ पे मोर लेस, या इधर लेस होगा तो इधर मोर हो जाएगा टू कम्प्लीट द जर्नी, सो इट इज़ द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन एंड देयर फॉर देयर प्रोडक्ट पेयर वाइज। तो पहले इसको लिख लेते हैं 45 × x, पहले इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए हमको, x वेरिएबल है, इसको लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, 45 × x इक्वल टू 40 × 4.5, सॉल्व कर देंगे इसको, मिक्स्ड फॉर्म को बदल देंगे और 2 से काट देंगे, 220, देन 20 × 9 डिवाइडेड बाई 45, और फिर इसको काटेंगे, 5 4 जा 5 9 जा, पहले 5 से काट दी, फिर 9 से 9 कट जाएगा, दैट इज़ 4 आवर। सो टू कम्प्लीट द जर्नी एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, है ना, रिटर्न जर्नी में उसका स्पीड क्या हो गया 45 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 4 आवर। सो दिस इज द स्टेप, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस वर्कशीट। सो आई विल टेक ओनली फ्यू क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।